मेरा ड्रामा सीरियल दागे दिल देखने के लिए सब्सक्राइब करें हम टीवी का यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आप गलत समझ रहे हैं। आप मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस यही मिला था अपना मुंह काला कराने के लिए। आप गलत समझ रहे हैं। साईं को कुछ मत, जो कह रहे मुझे कह ले। तुम्हारी माँ भी रोती रहती थी, इससे बेहतर ये नहीं हुआ कि दोनों मन। मैंने मार दिया उसे। क्या मार दिया? मैंने मार डाल के लिए मुझे यहाँ से ले चलो। चलो चलकर सेलिब्रेट करते हैं। क्यों, तुम्हारे फर्स्ट आने की खुशी में? नहीं, क्योंकि पिछले साल से इस साल इसके ग्रेड्स बहुत बेहतर आए इस खुशी में। हाँ। चलो लास्ट सेमेस्टर रह गया, अब इसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो जाएगी। मैं तो अभी से इंटर्नशिप को ही सोच रही हूँ। मैंने भाई से तुम्हारे लिए बात की थी, वो अपनी लेदर कंपनी में तुम्हें पेड इंटर्नशिप पर रख सकते हैं। थैंक यू सो मच। और तुम्हारे क्या प्लान है मानू, तुम भी हमारे इधर इंटर्नशिप करोगी या अपनी हवेली वापस चली जाओगी? लो भला, इससे क्या जरूरत है इंटर्नशिप की, ये तो हम जैसे लोगों के काम है। और वैसे भी फ्यूडल्स अपनी बेटियों को जॉब नहीं करवाते, क्यों मानू? सही कहा ना मैंने? बिल्कुल भी नहीं, वो वक्त और था मैडम, अब वक्त बदल गया है, अब फ्यूडल्स भी बहुत मॉडर्न हो गए। और तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ? इसलिए कि शादी के बाद आज क्या पकाऊं जैसी सोचो मैं अपना वक्त जाया करूं? नहीं ना, ऑफ कोर्स आई विल डू समथिंग, जॉब करूंगी, अपनी डिग्री जाया थोड़ी होने दूंगी मैं। अरे बाबा, तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए तो मुलाजमों की फौज होगी, खुद उठकर पानी तक नहीं पीना पड़ेगा, और तुम्हारे एक हुक्म पे ये खानों से भरी मेज तैयार। भाई मुझे तो तुम्हारी हवेली देखने का बहुत शौक हो रहा है, अपनी शादी में देखो हम दोनों को जरूर बुलाना। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारे गांव में काफी ट्रेडिशनल शादियां होती हैं, है ना? अरे हाँ, मैंने इसके भाई की शादी अटेंड की थी ना, क्या फंक्शन थे यार, मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसे फंक्शन नहीं देखे। तुम भी ऐसी शादी करना मानू जैसे तुम्हारे भाई की हुई थी। हाँ वैसे ये ट्रीट थी मानू, एक समोसा, एक पेटीज और एक सैंडविच। रियली? ट्रीट जब बोलोगी, जहाँ बोलोगी, जैसे बोलोगी मिल जाएगी, और पार्टी भी मिल जाएगी। अभी कैफेटेरिया में बैठी हूँ ना, यहाँ पर यही मिलता है, गुजारा करो।
रात के खाने में खास एहतमाम करना है। कबीर के दोस्त कराची से आ रहे हैं, मुझे किसी चीज की कमी ना महसूस हो। जी 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 जी। और साईं का परहेज का खाना याद से बना लेना, ठीक है? और हाँ, शाम की चाय लॉन में लगवा देना। जी 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 जी। आप इतनी जल्दी आ गए, बहुत थके हुए लग रहे हैं। हाँ, आज गर्मी बहुत है। चाय लेके आऊं या खाना खाएंगे? नहीं नहीं, पहले खाना खाएंगे बाद में चाय पियेंगे। और तुम तो जानती हो ये गांव वालों के ना कभी मसले खत्म होंगे ना गुर्बत। क्या जरूरत है इतने गर्मी में ख्वार होने की? इतने मुलाजिम है आपके, किसी और की ड्यूटी लगवाए ना। सारा वक्त इन छोटे लोगों के मसलों में खुद को उलझाए रखते हैं। गरीबों की मदद करने की इतनी जरूरत नहीं है। करना पड़ता है, जिम्मेदारी है हमारी। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम ये बताओ कि मानूर से फोन पे बात हुई है, क्या हुआ उसके रिजल्ट का? क्लियर कर दिया सेमेस्टर आपकी बेटी ने। अच्छा, फिर तो सेलिब्रेशन बनती है। तुम ऐसा करो, इसी वीकेंड पे उसको बुलाओ और गरीबों में खाना तकसीम करो उसके हाथ से। ठीक है, आप हाथ में धो ले, मैं खाना लगा दूं। हेलो, हाँ फरवा और साशा के साथ हूँ। नहीं कोई इशू नहीं है। ओके अच्छा, तुम लोग आज खुद ड्रॉप हो जाओगे, मैं तुम लोग को ड्रॉप नहीं कर पाऊंगी। मैं चाची को भी मैसेज कर देती हूँ। हाशिम के साथ जा रही हूँ। मैं तुमसे सिर्फ क्लास पहले समझती थी, लेकिन अब लगने लगा है कि बात दोस्ती से भी आगे निकल चुकी है। बिल्कुल ठीक लगने लगा है तुम्हें। आई डोंट बिलीव दिस यार, तुम इसमें कैसे इंटरेस्टेड हो सकती हो? आखिर देखा क्या तुमने हाशिम में? क्या कमी है हाशिम में? देखो मानूर, सारी जिंदगी का सवाल है, कैसे एडजस्ट करोगे तुम उस फैमिली में? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं किसी फाइनेंशियल डिफरेंस पे बिलीव करती नहीं। मैं लोगों को उनकी जाती अच्छाई और बुराई पर जज करती हूँ, दैट्स इट। मगर जिंदगी गुजारने के लिए एक इंसान की अच्छाई और बुराई के अलावा बहुत सी चीजें देखी जाती हैं। जी जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि हाशिम बहुत तरक्की करेगा, हमारी यूनिवर्सिटी का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तुम लोग भूल गए हो क्या? लेकिन आगे बढ़ने के लिए मेहनत से ज्यादा सिफारिश की जरूरत होती है, और हाशिम को तो MBA करने के बाद अब तक कोई ढंग की जॉब नहीं मिली। एक मल्टीनेशनल कंपनी में मामूली सा सेल ऑफिसर है। इनफ साशा, तुम लोग कॉन्स्टेंटली हाशिम की इंसल्ट कर रहे हो, मैं ये सुनने के लिए बिल्कुल भी आने बैठी। लेकिन ये जिंदगी की हकीकत है मानूर, और तुम इससे नजरें नहीं चुरा सकती। साशा सही कह रही है, और अगर कबीर भाई ने तुम्हें देख लिया ना उसके साथ, तो मोहब्बत के साथ साथ पढ़ाई पर भी बैंड लग जाएगा तुम्हारी। जी अच्छा, अगर आप लोगों का लेक्चर खत्म हो गया तो मैं जाऊं? जाइए जाइए, मौसूफ अपनी फटीचर सी बाइक पर इंतजार फरमा रहे होंगे आपका। सीरियसली? तो क्या हो गया, पता नहीं किस बात का बुरा लग गया। जी महरोज, आप एक काम करो कि आप घर चले जाओ, मैं घर पर आ जाऊंगी। मैं अपनी सहेलियों के साथ हूँ ना, तोनी के साथ घर पर ड्रॉप लूंगी और घर पे बात कर लूंगी मैं, आप जाओ। खुदा हाफिज। मानूर की स्टडी कंप्लीट होने में चंद माह बाकी हैं,
सोच रहा हूँ कि कहीं अच्छी जगह रिश्ता तय हो जाए, फिर वादे के मुताबिक मास्टर्स के बाद उसकी रुख्सती कर देंगे। क्या ख्याल है? आपकी नजर में कोई लड़का है? अरे हमारी बेटी के लिए रिश्तों की कमी है क्या? किसी हाईली क्वालिफाइड लड़के से शादी करूंगा। सुनो, तुम ज़हनी तौर पर उसको तैयार करो, और इस बार शादी के लिए कोई बहाना नहीं सुनूंगा मैं। देखो, मानूर इस खानदान की पहली लड़की है जिसकी मैंने हर ख्वाहिश हर जिद पूरी की है। अब शादी के मामले में मैं उसकी एक नहीं सुनूंगा। ठीक कह रहे हैं आप, बेटियां जितनी जल्दी अपने घर की हो जाएं उतना अच्छा है। हरीम की तरह हमें बचपन में इसका भी रिश्ता तय कर देना चाहिए था, ताकि हमें अब फिक्रमंद ना होना पड़ता। खैर, जल्दी से कोई अच्छा लड़का मिले तो उसके भी हाथ पीले कर लेते हैं। वो मेरे दोस्त शहरयार साहब और उनकी मिसेज आए हैं यूके से अपने बेटे के रिश्ते के लिए। उन्होंने घर आने की ख्वाहिश जाहिर की है। अच्छा, तो फिर बुलाए ना उन्हें किसी दिन खाने पर, उनके बेटे से भी मुलाकात हो जाएगी और मानूर भी आ रही है वीकेंड पे, अच्छा रहेगा। बड़ी तारीफें सुनी है उसके बेटे की मैं, मास कम्युनिकेशन पढ़कर आया और किसी टीवी चैनल पे बड़ी अच्छी पोस्ट पर है वो। उसे नौकरी करने की क्या जरूरत है? उसकी तो इतनी जमीने हैं, बावजदाद का छोड़ा हुआ बिजनेस है, तो नौकरी करने का मतलब? अरे आजकल के बच्चों को कहाँ इंटरेस्ट होता है खानदान के कारोबार और जमीनों में। अपने कबीर को ही देख लो, शहर चला गया। कोई दिलचस्पी है जमीनों में तो काम में? नहीं। उसने अपनी मर्जी की शादी भी कर ली। खैर, आप शेरियार साहब को और उनकी वाइफ को डिनर पर बुलाएं। ठीक है, करता हूँ मैं बात। हेलो। बहुत अच्छी लग रही है तुम, स्पेशली इस कलर में तो बहुत ही कमाल लगती हो। हाशिम, कहाँ हो तुम? क्या तुम देख सकते हो मुझे? मोहब्बत करने वालों को सब पता चल जाता है, तुम ना भी हो तो दिखाई देती हो हर चीज में। तुमको भी ऐसे लगता है मानो? हाशिम, बातें बनाना बंद कर, मुझे बताओ कहाँ हो तुम, सामने आओ ना, जल्दी सामने आओ हाशिम। माय गॉड, हाशिम तुमने गाड़ी ले ली फाइनली। आओ, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। तुम्हारा दुपट्टा। थैंक यू। मुझे बताओ कि तुमने गाड़ी ली है, पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? कुछ पैसे मुझे अम्मी ने दिए और कुछ मेरे पास सेविंग्स थी, बाइक बेची और गाड़ी स्टोन पे खरीद ली। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि अगर मुझे तुमसे शादी करनी है तो तुम्हारे अब्बा के मयार पर पूरा उतरने के लिए मुझे कितने पापड़ पिलने पड़ेंगे। लिसन, तुम्हें किसने कहा है कि मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें मेरे अप्पा के स्टेटस तक पहुंचने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। तो क्या मुंह लेकर जाऊंगा तुम्हारे अप्पा के पास, तुम्हारा हाथ पकड़? क्या कमी है तुम्हें हाशिम, सब कुछ बिल्कुल ठीक तो है, हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हो? आज सेकेंड हैंड गाड़ी ली है, कल नहीं ले लोगे, और अगर ना भी ली तो मुझे तो तुम्हारे साथ बाइक पे घूमने में भी बहुत मजा आता है यार। मानूर, तुम ये सब
आज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम्हारे पास सारी आसाइशें हैं और इसीलिए तुम इन सबको फॉर ग्रांटेड लेती हो। एक बात बताऊं मानूर, मेरे साथ जिंदगी गुजारने में तुम्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और ये आसान नहीं होगा। आसानी चाहिए भी नहीं मुझे। जब तक जिंदगी में एडवेंचर या डिफिकल्टी ना हो तो क्या मजा जिंदगी का। और तुम पर पूरा भरोसा है मुझे, खूब तरक्की करोगे। अगर तुम मुझे ये सारी बातें खुश करने के लिए कर रही हो तो हरगिज नहीं होगा। मैं सीरियस बातें करना भी नहीं चाहती थी। ये तुम्हारा लास्ट सेमेस्टर है और 6 महीने बाद तुम अपने घर चली जाओगी वापस। कुछ सोचा है तुमने हमारे इस रिलेशनशिप का क्या होगा? कोई फ्यूचर है भी कि नहीं? तुम्हें क्या लगता है कि मैं सीरियस नहीं हूं या हम दोनों के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती? तो फिर कब बात करी अपनी फैमिली से हमारे इस रिलेशनशिप की? चाची से बात की है मैंने, उन्होंने वादा किया है कि साथ देंगे। बस अब्बा और अम्मी से बात करना रह गया। तुम ही बात करो ना आंटी से। अभी नहीं मानूर, पहले तुम अपनी फैमिली से बात करोगे और अगर वो मान जाएंगे तब मैं अपनी अम्मी से बात करूंगा। बहुत खुददार है मेरी अम्मी। समझ सकती हूँ, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, अब्बा का फ्यूडल लॉर्ड वाला माइंडसेट जरूर है लेकिन बेटी मैं उनकी इकलौती हूँ। मेरी कोई भी बात टालते नहीं है। काश हम आगे बढ़ने से पहले इन सब बातों के बारे में सोच लेते हैं तो आज यूं परेशान ना होता। मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में इतना आगे निकल जाऊंगा। इतनी सैड बातें क्यों कर रहे हो तुम? मैं सब हैंडल कर लूंगी, रिलैक्स। जूस पियो। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। शुक्रिया भाई। थैंक यू। यहाँ की चाय बहुत अच्छी होती है पता है? चाय के हाशिम बारिश हो रही है। यस। तुम ये पकड़ो, मैं बाहर जा रही हूँ। अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बुखार हो जाएगा तुम्हें यार, फिर बोलोगे मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे बारिश बहुत पसंद है। यहीं से एंजॉय करो ना यार। मैं यहीं से एंजॉय करती हूँ।
हाशिम, जो बारिश के बाद गीली मिट्टी की खुशबू आती है ना, मुझे बहुत पसंद है। सर्दी हो रही है, बंद कर लेती हूँ। इसीलिए कह रहा था कि मत जाओ, तुम्हें अभी से ही सर्दी लग रही है। तो कराची में इतनी कम बारिश होती है। खत्म भी हो गई बारिश, बस इतनी सी थी। चाय एंजॉय कर लेते हैं। चाय कैसी है? बहुत अच्छी। मैंने कहा था ना यहाँ की चाय बहुत अच्छी होती है। वेरी नाइस। चलो बारिश देख तो ली अपने। कभी आपको भूख लगी है तो खाना लगा दूं? कैसे खाना खा लूं मानूर, इतनी देर हो गई है घर नहीं आई, फोन भी नहीं उठा रही। किस सहेली की तरफ गई है? मैं ड्राइवर वहां भिजवाऊं? उसकी दोस्त साशा की बर्थडे है, अपने दोस्तों के साथ किसी रेस्टोरेंट में प्लान बनाया, अभी उसको वापसी में ड्रॉप कर देंगे। ड्राइवर को साथ ले जाने में क्या मसला था? और ये कोई टाइम है प्लान बनाने का? कबीर, यही तो टाइम है उसका दोस्तों के साथ घूमने फिरने का, जिंदगी को एंजॉय करने का। कॉलेज जाके लड़कियां दोस्तियां पाल लेती हैं ना, यही गुल खिलाती। आगे। अस्सलाम वालेकुम चाचा। कहां थी तुम? चाची ने बताया नहीं था आपको, मैं वो साशा के साथ थी। बताया था मानूर, ये जो यूनिवर्सिटी से छुट्टी के बाद तुमने अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने को मामूल बना लिया है, ये मुझे और भाई साहब को बिल्कुल पसंद नहीं है। I'm sorry चाचू, दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैंने किसी से कभी भी तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी खबर सुन ली ना, तो याद रखना मानूर, एक मिनट यहाँ नहीं रखूंगा, फौरन से हवेली भिजवाऊंगा मैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप, दोस्तों के साथ ही तो गई थी, कौन सा इतना बड़ा उसने कोई जुर्म कर दिया जो आप ये बात कह रहे हैं? यही दोस्तियां ले डूबती हैं, समझाया ना मैंने? तुम्हारा सेमेस्टर खत्म हो गया है, परसों भाई साहब ने हवेली में बुलाया है, तैयार रहना, जाओ फ्रेश हो फिर खाना खाते हैं, खाना लगवाओ। मुझे क्या मतलब, नाराज हो जाएंगे। समीना खाना लगाओ। मानूर मुझे पता है कि मैं तुमसे और तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, पर डर लगता है कि कहीं हमारी मोहब्बत को नजर ना लग जाए। हाशिम, मैं एक बार आंटी से मिलना चाहती हूँ। तुम प्लीज बात करो उनसे और एक बार मुझे उनसे मिलवा दो। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके, बाय। आप एक बात बताएं मुझे, ये चाचू को आज क्या हो गया था? मैंने आज से पहले कभी भी उन्हें इतना गुस्से में नहीं देखा, और हौसला है आपका जो बर्दाश्त कर पाती है। मुझ जैसा होना तो एक भी दिन इतने सख्त मिजाज आदमी के साथ ना गुजार पाए। वैसे तुम तो बहुत लकी हो, तुम एक प्यार करने वाला, जान निछावर करने वाला शख्स जो मिल गया। लेकिन आप वाहिद हैं जो उसे पसंद करती हैं, वरना मेरी दोस्तों ने भी हाशिम को डिसोन कर दिया है। समझ नहीं आ रहा कि चाचू को और अब्बा को बताऊंगी तो क्या रिएक्शन होगा उनका। वैसे कबीर को तो तुम मुझ पे छोड़ दो, उन्हें मैं संभाल लूंगी। हाँ लेकिन अब्बा जान और अम्मा को तुम्हें मनाना पड़ेगा। लेकिन फिक्र मत करो, अल्लाह ने चाहा ना तो फैसला हाशिम के हक में ही आएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच चाची, इसलिए मैं आपको वर्ल्ड्स बेस्ट चाची कंसिडर करती हूँ, आप बहुत अच्छी हैं। अच्छा मस्केबाजियां बंद करो और घर वापस जाने की तैयारी पकड़ लो, परसों निकलना है हमें। मेरा दिल नहीं लगता वहाँ। मुझे पता है कि तुम्हारा दिल वहाँ क्यों नहीं लगता, लेकिन कुछ ही दिन की बात है और तुम्हें अब्बा जान और अम्मा से बात भी तो करनी है। हाँ आप एक बात बताएं, साथ देंगी ना मेरा? कितनी बार पूछोगी, क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है? एक आप पर ही तो एतबार है, आप ही के हौसला देने पर इतना बड़ा कदम उठा पा रही हूँ कि अम्मी से और अब्बा से बात कर पा रही हूँ, वरना कैसे करती।
तो फिर भरोसा रखो, ओके? थैंक यू। फातिमा, जरा देखो कौन आया दरवाजे पे। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। आप महनूर? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ही महनूर हूँ। आपके अंदर नहीं बुलाओगी? आ जाए, आए। कौन आया फातिमा? अम्मी, हाशिम भाई आए महानूर को लेके। अच्छा, सलाम अलैकुम आंटी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। जीती रहो, अब अंदर आओ। आंटी, मुझे बहुत शौक था आपसे मिलने का। हाशिम बहुत प्यार से जिक्र करता है आपका। इनफैक्ट मुझे लगता है कि हाशिम बहुत लकी है कि उसको आपकी जैसी मदर मिली। जी नहीं, अम्मी बहुत लकी हैं कि उनको इतना फर्माबरदार और ताबेदार बेटा मिला। क्यों अम्मी, ठीक कहा ना मैंने? जी नहीं, हमारी अम्मी ज्यादा अच्छी हैं। इन्होंने अबू के बाद बहुत मेहनत से पाला है हमें। अच्छा बेटा, तुम कुछ लो तो सही। मुझे अगर हाशिम बताता ना कि तुम आ रही हो तो मैं खाने का भी इंतजाम कर लेती। उसकी कोई जरूरत नहीं आंटी, ये बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। मैं सिर्फ आपसे मिलने आई थी और फातिमा के हाथ की मजेदार चाय पीने आई थी, जो कि मिल गई। और अगर अभी खा भी लिया तो रात को चाचू नाराज होंगे कि उनके साथ क्यों नहीं खाया। तुम्हारे चाचू क्या काम करते हैं? आंटी, उनका सिरामिक्स का बिजनेस है। अच्छा, और तुम्हारे अब्बा उनके साथ ही होते हैं? अरे नहीं नहीं आंटी, अब्बा तो मेरे जमींदार हैं। मेरी पूरी फैमिली के साथ हमारे गांव नवाबशाह में। चाचू चाची अपनी फैक्ट्रीज की वजह से यहाँ हैं और मैं अपनी पढ़ाई की वजह से। अरे मानूर, तुम कुछ लो ना यार, ये लो प्लीज लो, ये लो। बात तो करने दो आंटी से। आंटी आप आइएगा ना मेरी फैमिली से मिले, बहुत अच्छा लगेगा। जरूर। आशिम, मुझे लगता है कि आंटी को मुझसे मिलकर कुछ खास खुशी नहीं हुई, या तो मैं उनको अच्छी नहीं रही। हमारे अंदर ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें देखे तो फिर अम्मी बस थोड़ी सी कंफ्यूज हो गए होंगे। तुमको यूं इस तरह अचानक मेरे साथ है तो तुम्हें उन्हें मेरे बारे में बताना चाहिए था ना। ऐसे अचानक सरप्राइज होंगे तो ऑफ कोर्स परेशान होंगी वो, लेकिन मुझे तो आंटी से मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे लगता है मेरी जिंदगी में पहली बार इतनी डिसेंट और इतनी स्वीट था तुमने। तो फिर कैसा लगा तुमको मेरा गरीब खाना? गरीब खाना घर कौन, तब जवाब दोगे। अच्छा बाबा, कैसा लगा आपको मेरा घर? बहुत अच्छा, इनफैक्ट बहुत खूबसूरत। दिल लग जाएगा उस छोटे से मामूली से घर पर। हाशिम, तुम्हारी ये बातें मुझे बहुत इरिटेट करती हैं। मुझे तुम्हारी ये बातें बहुत हैरान करती। मेरे घर में वाकई तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो, तभी तो मेरा दिल रखने के लिए ऐसी बातें करती थी। हाशिम, वो
वरना मैं जानता हूँ कि तुम जैसी इतने बड़े घर की लड़कियां कहाँ इतने छोटे से मामूली से घर में खुश रहे। हाशिम मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे सच में तुम्हारा घर बहुत अच्छा लगा और ऐसा ही घर मैंने अपने जहन में सोच के रखा हुआ है। अब गाड़ी भी है, छोटी है तो क्या हुआ, बड़ी भी आ जाएगी। और तुम देखना वक्त के साथ तुम्हें कितनी अच्छी जॉब पर है वरुण। इसीलिए मैंने दुबई में एक जॉब के लिए अप्लाई किया। अब दुआ करो कि वो जॉब मुझे मिल जाए तो मैं तुम्हारे थोड़े से लाइफ स्टाइल को ना बेहतर बना सकूं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अगर दुबई चले जाओगे तो मैं यहाँ क्या करूंगी? अब मानो थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा तुमको भी और मुझको भी। हाशिम तुम कहीं नहीं जाओगे और कोई जरूरत नहीं है ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस करने की। शादी के बाद तुम भी जॉब करना, मैं भी करूंगी, दोनों मिलकर काम करेंगे तो आराम से गुजारा हो जाएगा। मान अब इतनी मेहनत करके पढ़ाई की है, इतना वक्त दिया है, तो मुझे भी तो कुछ रिटर्न मिलना चाहिए ना। बिल्कुल भाई, चलो लेट्स हैव कॉफी। भाई मानूर कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत लड़की है, मुझे तो वो बहुत पसंद आई। आप उसी से शादी कीजिएगा। है ना, इतने अमीर घर से उसका ताल्लुक है, बहुत डाउन टू अर्थ है, जरा भी गुरूर नहीं है उसमें। तुम क्या सोच रहे हो, इतने बड़े घर की लड़की तुम्हें क्यों पसंद आई है, उसकी खूबसूरती देखकर या फिर उसके बाप की दौलत? अमीर, कि आप कैसी बातें कह रही हैं? मैं और महानूर एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं। ये सोचे बगैर कि तुम दोनों के खानदान में जमीन आसमान का फर्क है, रिश्ते अपने जैसे ही लोगों में जचते हैं। किस मुंह से मैं जाऊंगी इतने बड़े लोगों के घर उसका रिश्ता मांगने? उनकी फैक्ट्रियां हैं, जमीनें हैं और मैं पूरी जिंदगी मेहनत और मशक्कत की है मैंने, और जब वो तुम्हारे बाप के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगी उन्हें कि तुम्हारा बाप उन जैसे किसी रई जमींदार के यहां मामूली ड्राइवर था। चादर देकर अपना पांव फैलाते हैं बेटा, इस तरह के बेजोड़ रिश्ते कभी ना कभी बहुत तकलीफ का बायस बनते हैं। और अगर वो लोग ये फर्क ना देखें फिर? अम्मी, ये बात मैंने बहुत पहले ही मानूर को समझा दी थी कि अगर उसके घर वाले इस रिश्ते से राजी होते हैं तभी मैं अपनी अपनी को भेजूंगा उसका हाथ मांगने, वरना नहीं भेजूंगा। आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, फिर चाहे मुझे उसके लिए मानूर को भी छोड़ना पड़े मैं छोड़ दूंगा, लेकिन आपसे बढ़कर कोई भी नहीं। चाचू, मजार जाना चाहती हूँ, प्लीज बस 5 मिनट के लिए ले लें। अच्छा ठीक है, आगे से मजार की तरफ ले लेना गाड़ी। काफी अरसे से हमने मजार की जिम्मेदारी संभाली हुई है।